हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटी। कंपटीशन कम्युनिटी की इस एफटीआर प्रोग्राम में हम छत्तीसगढ़ से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस देख रहे थे और इसी क्रम में हमने रिवर से संबंधित कुछ क्वेश्चंस देखा था। 16 क्वेश्चन हमने देखे और आज हम 17 से लेकर आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। कल के क्वेश्चंस में कुछ लोगों को कुछ डाउट्स थे, पहले मैं वो क्लियर कर देता हूँ, देन मैं इसके आगे आज की बात करूँगा। ठीक, पहला एक क्वेश्चन था कि पलासनी पैरी का पौराणिक नाम है, बट ये ऐसा नहीं है क्योंकि पलासनी जो है वह जोग का पौराणिक नाम है। ठीक, इसके दो स्रोत हैं मेरे पास। पहला स्रोत ये है कि जो छत्तीसगढ़ समग्र है, ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ समग्र जो पुरानी ग्रीन वाली बुक है इसकी, छत्तीसगढ़ ग्रंथ अकेडमी की, उसमें नदी वाले चैप्टर में, रिवर वाले चैप्टर में ये दिया हुआ है कि जोग का प्राचीन नाम जो है वह है पलासनी। साथ ही साथ हसदेव का जो प्राचीन नाम है वह है हस्तुसोमा और आपके सनी या सीवा शिवनाथ का प्राचीन नाम है। साथ ही साथ दूसरी बुक एक है कंपटीशन कम्युनिटी की, जो छत्तीसगढ़ की बुक है, उसमें भी रिवर वाले टॉपिक में ये दिया हुआ है और इसमें लिखा हुआ है, हमने इसमें लिखा मेंशन करवाया कि इसमें मत्स्य पुराण एवं वायु पुराण में जोग को पलासनी के नाम से जाना जाता था। अगर इस तरह से क्वेश्चन आए तो आप इसको डील कर लेंगे। दूसरा एक डाउट था कि शिवनाथ और महानदी के लेंथ को लेकर, अगर मैं ये मान के चलूँ ये छत्तीसगढ़ है, ठीक, और इस छत्तीसगढ़ पे यहाँ से मैंने निकाला महानदी यहाँ से जाने के पश्चात ये आगे यहाँ तक जाती है और पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी के बीच की डिस्टेंस अगर मैं मान लूँ 858 किलोमीटर है। कितनी? 858 किलोमीटर। तो ध्यान रखेंगे ये 858 किलोमीटर ये है आपका टोटल लेंथ ऑफ महानदी। ठीक, अगर मैं यहाँ से निकालूँ शिवनाथ को और शिवनाथ को रन कराने के बाद मैं इस तरह से महानदी पे मिला दूँ और छत्तीसगढ़ में इसके द्वारा कुल 290 किलोमीटर यात्रा तय की जाती है। तो अगर यहाँ पे इस वाले डिस्टेंस को माना जाए और इस पूरे डिस्टेंस को माना जाए तो यहाँ पे शिवनाथ जो होगी वो ग्रेटर होगी छत्तीसगढ़ में महानदी के लेंथ से। यानी छत्तीसगढ़ में जो महानदी बहती है वो केवल 286 किलोमीटर की यात्रा करती है और शिवनाथ कुल यात्रा करती 290। ठीक, यानी छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है वह है आपकी शिवनाथ और छत्तीसगढ़ की, क्योंकि महानदी जो है वह है आपकी छत्तीसगढ़। ठीक, तो याद रखेंगे जो नदी जहाँ से निकलती है उसे काउंट उसी राज्य के साथ किया जाता है। ये आप लोगों को पता है कि महानदी से संबंधित महानदी और उड़ीसा का, ठीक है, महानदी को लेके उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के मध्य बहुत से विवाद चल रहे हैं। ठीक, जिसमें एक ट्रिब्यूनल का भी गठन हुआ, ये करेंट का क्वेश्चन आप लोग जरूर अपडेट रखें। दूसरा, इंद्रावती को लेकर भी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य क्या हो रहा है, जल विवाद हो रहा है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक, तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो जो मेरी महानदी है वह छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है और जो शिवनाथ है वह छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। मेरे ख्याल से आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। तीसरा एक क्वेश्चन था जिसमें बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा गलत था, बट ठीक है, चलिए। तो ध्यान रखेंगे कि जो शिवनाथ है, याद रखिएगा जो शिवनाथ है, तो शिवनाथ के तट पर हमें मधुद्वीप, ठीक, मधुद्वीप कहाँ पर है, मुंगेली जिले पे बैतलपुर नामक जगह के पास मधुद्वीप है। ठीक, और मन्यारी रिवर के निकट हम तालागांव को देखते हैं, करेक्ट। तो ये चीज़ याद रखें। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 था उसका कथन 2 और 3 सत्य होगा, कथन 1 गलत होगा, उस हिसाब से आप आंसर बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये सारे कुछ डाउट्स थे जो क्लियर किया मैंने। अब उसके बाद आज की क्वेश्चन सीरीज की तरफ हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 17, हसदेव नदी की सहायक नदियों को निम्न कूटों के आधार पर चुनिए। ठीक, तो इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक दिया हुआ अहिरन, फिर दिया हुआ पेंगन, फिर दिया जटाशंकर और फिर दिया है गज चोरनई और उसके बाद सूखा। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वह होगा 1, 3, 4 एंड आपका 5। तो 1, 3, 4 एंड 5 जो कि सी में है, तो इस क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर होगा वह होगा सी। तो चलिए आइए देखते हैं बाकी जो नदियां वो किसकी किसकी सहायक नदी है। तो सूखा जो है वह महानदी की सहायक नदी है, पेंगन जो है वह कन्हार नदी की सहायक नदी। तो कन्हार नदी की कुछ सहायक नदी पेंगन है, गनफुला है, सेंदूर है, सेंदूर या इसे सिंदूर भी कहा जाता है, तो कन्हार नदी। बट यहाँ पे कुछ नदियाँ दी गई हैं, तो इस नदियाँ
से संबंधित मैं कुछ और भी फैक्ट्स आपको बताता हूँ जो काम आएगा। छत्तीसगढ़ में वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स, ठीक, नदी जोड़ो योजना चल रही है, जिसके तहत 5 परियोजनाएं चल रही है, ठीक, 5 परियोजनाओं ना सैंक्शन हो चुकी है। तो उसके लिए हम पहले एक डायग्राम बना देते हैं। देखिएगा, ये मैंने एक महानदी बनाया, ठीक, इस महानदी की सहायक नदी मैंने एक बना दिया, कौन सी, पैरी नदी। आप भी ड्रॉ करते जाएं साथ में, काफ़ी इजी होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे तांदुला रिवर बनाया, क्लियर हो गई बात। उसके बाद मैंने यहाँ से मैंने निकाला आपका सोन नदी, ठीक है, ये मैंने कोरिया बना दिया है, ठीक। अब इसी कोरिया से मैंने एक नदी निकाली जिसका नाम है आपका कौन सी नदी, हसदेव नदी, जो कहाँ आके मिल जाएगी मेरी महानदी पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कौन सी नदी बनाई, ये वाली आपकी, ये है आपकी हसदेव नदी, ठीक। अब ये जो तांदुला, ये है आपका महानदी और ये है आपका पैरी नदी, ठीक। यहाँ पर ये सोन नदी हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है केवई, और ये केवई नदी निकलती है आपके कोरिया जिले से और ये सोन पे जाके मिल जाती है, ठीक। तो ये नदी मैंने बोला आपको केवई, और ये केवई नदी जो है, याद रखेंगे, केवई नदी सोन की सहायक नदी है, और ये केवई नदी जो है ये हसदेव के साथ एक वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, ठीक। तो याद रखेंगे केवई और हसदेव फर्स्ट, दूसरा ध्यान रखेंगे तांदुला और महानदी सेकंड, महानदी और पैरी तीसरा वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट। तीन प्रोजेक्ट्स होने के बाद नेक्स्ट हम चलते हैं अब यहाँ पे रिहन पे। तो ध्यान रखेंगे मैंने यहाँ पे रिहन बनाया, आप सबको पता है रिहन सरगुजा जिले से निकलती है, ठीक। सरगुजा जिले से निकलने के बाद सूरजपुर होते हुए थोड़ा सा बलरामपुर के बाद फिर वो एमपी और देन वो यूपी चली जाती है। ये हमने बनाया रिहन नदी। अब रिहन नदी और ये है आपका हसदेव नदी, करेक्ट। अब इस हसदेव नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है गेज, ठीक, जिसमें गेज परियोजना है। अब इस गेज की एक सहायक नदी है जिसका नाम है अटेम, या उसे बोला जाता है उत्तेम, ध्यान रखेंगे अटेम या उत्तेम, ठीक। तो चौथा जो प्रोजेक्ट है वह इस अटेम और रिहन के मध्य बनता है। तो 1, 2, 3, 4, क्लियर होती बात यहां पे। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि इसी हसदेव की, ये जो हसदेव है, हसदेव की एक सहायक नदी है जिसका नाम है अहिरन, ठीक है। इस हसदेव की एक सहायक नदी जिसका नाम क्या है, अहिरन। और याद रखिएगा एक नदी है आपको पता होगा जो कि शिवनाथ की सहायक नदी, जिसका नाम है अरपा, और अरपा की एक सहायक नदी है जिसका नाम क्या है, खारंग, ठीक। तो अरपा की सहायक नदी है खारंग, और खारंग और अहिरन के मध्य एक प्रोजेक्ट बन रहा है। खारंग जो है, खारंग पे ही खुटाघाट बांध है, जिसको हम क्या बोलते हैं, संजय गांधी परियोजना, जिसकी स्थापना 1920 से स्टार्ट हुई थी, 1930 तक वो पूर्ण होती है, ठीक। तो अहिरन और खारंग के मध्य हमने पांचवा वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट देखा है। आप मैप में देख सकते हो, मैप मैंने बना दिया कैसा दिख रहा है, ठीक। तो 1, 2, 3 एंड 4, ये एंड 5 आपके वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट, ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हसदेव की सहायक नदी नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हसदेव की सहायक नदी नहीं है, जरा सोचिएगा कि हसदेव की सहायक नदी कौन सी नहीं है। तो पहला मैंने अभी बताया चोरनई, ठीक है, बी गज, करेक्ट, सी है तान, और चौथा है डी संख। तो याद रखिएगा कि जो ऑप्शन नंबर डी है वह हसदेव की सहायक नदी नहीं है। किसकी सहायक नदी नहीं है, हसदेव की वह सहायक नदी नहीं है। संख जो है वह ब्राह्मणी की सहायक नदी है, करेक्ट, किसकी सहायक नदी है, ब्राह्मणी की सहायक नदी है। चलिए आइए देखते हैं इसे मैप में ड्रॉ कर। तो चलिए दोस्तों आइए देखते हैं मैप को। ये हमने बलरामपुर बनाया, ठीक, और ये हम बना रहे हैं यहाँ पे जसपुर वाले भाग को, करेक्ट है। चलिए अब इसमें हम नदियों के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। आप सबको पता है ये वाला जो भाग है ये है आपका NH 43, ठीक। अब ध्यान रखेंगे आप, यहाँ से
कहाँ से? रांची झारखंड से एक नदी निकलती है और नदी निकलने के पश्चात वह यहाँ पे जसपुर के साथ बॉर्डर बनाती है। किसका किसका? झारखंड और छत्तीसगढ़ का। और यही जो नदी जो मैं बता रहा हूँ ये नदी आपकी संख नदी। तो ध्यान रखेंगे संख नदी जो है झारखंड और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर बनाएगी, लेकिन छत्तीसगढ़ के किस जिले के साथ? तो ध्यान रखेंगे वह बनाएगी जसपुर जिले के साथ। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ एवं झारखंड का जो बॉर्डर बनेगा वह बलरामपुर जिले के साथ जो बनेगा वो बनाएगी आपकी कन्हार नदी। ठीक, तो कन्हार नदी हम आगे देखेंगे जिसमें यह बॉर्डर बनाएगी छत्तीसगढ़ का और झारखंड का, लेकिन बलरामपुर जिले के साथ। यहाँ झारखंड और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर बनेगा लेकिन जसपुर जिले के साथ। ठीक, और ये संख नदी इधर से निकलने के पश्चात ये आगे इधर निकल जाती है, और निकलने के पश्चात याद रखेंगे ये वाली नदी और इधर से एक नदी आती है जिसको हम बोलते हैं कोयल नदी। और कोयल और संख नदी मिलकर नेक्स्ट जो बनाती है वह बनाती है ब्राह्मणी रिवर। यानी कोयल और संख के मिलने के बाद जो नदी बनने वाली है वह बनने वाली है ब्राह्मणी रिवर। और इसी के पैरलर में एक और देखूंगा जिसका नाम क्या होगा, वह होगा बैतरणी रिवर। याद रखेंगे इसको, जिस तरीके से अभी आप देख सकते हैं आपको मैप दिख रहा होगा। ठीक, चलिए, तो इस तरह से हम लोगों ने संख रिवर निकाल दिया। संख के बाद ध्यान रखेंगे हम निकालते हैं यहां से ईव। ईव इस तरह निकलेगा। ठीक, और ये हो गया आपका ईव। ईब इस तरह से निकल के आगे जाके ये उड़ीसा में महानदी पे मिल जाएगा हीराकुंड के थोड़ा सा पहले। और इसी ईब की एक सहायक नदी है जिसको बोलते हैं खोरुंग। ध्यान रखेंगे ईब की सहायक नदी का नाम भी क्या है, खोरुंग। ठीक, अब पॉइंट ये है कि ये ईब जो है, ठीक है, ईब जो है कहाँ से निकलती है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे ईब जो होता है वह निकलती है पंडरापाट। कहाँ से? पंडरापाट के किसमें? खुड़िया के पठार में। खुड़िया के पठार में कौन सी पहाड़ी? ये निकलेगी आपकी खुर्जा की पहाड़ी से। छत्तीसगढ़ में कुल इसका प्रवाह 87 किलोमीटर है इसका ईब का। ठीक, तो ईब छत्तीसगढ़ में केवल और केवल एक ही जिला कहाँ पे? जसपुर जिला पे प्रवाहित होती है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से तांदुला बांध किस जिले पे है? निम्नलिखित में से तांदुला बांध किस जिले में से है? तो ध्यान रखिएगा जो मेरा तांदुला बांध है यह है बालोद पे। ठीक, तांदुला बांध कहाँ पर है? बालोद पे। यानी कि बालोद पे ये जो तांदुला बांध है यह छत्तीसगढ़ की सबसे पहली सिंचाई परियोजना है। हम सभी को पता है कि जब छत्तीसगढ़ सेंट्रल प्रोविंस के साथ था, अर्थात मध्य प्रांत के साथ था, क्योंकि सेंट्रल प्रोविंस का जो फॉर्मेशन होता है वो 1861 के समय होता है। ठीक, तो मध्य प्रांत में 1915, 1916, 1910 यानी 1910 से लेकर 1915-16 तक यहाँ पे अकाल की स्थिति होती है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इस अकाल की स्थिति से निपटने के लिए इस मध्य प्रांत वाले क्षेत्रों में यहाँ पर तरह तरह के बांधों का, यानी कि जो नदियाँ थी उन पर बांध निर्माण करके यहाँ के जो किसान थे उनको सिंचाई की सुविधा दी जा रही थी। और इसी क्रम में हमें रुद्री दिखता है, इसी क्रम में हमें तांदुला दिखेगा, इसी क्रम में हमें माड़म सिल्ली भी दिखेगा। तो ध्यान रखेंगे जो मेरा तांदुला है, ठीक, जो मेरी तांदुला रिवर है उस पर तांदुला बांध बनता है। और ये जो तांदुला बांध है इसका निर्माण 1910 से शुरू होता है। ठीक, यानी 1910 से ये शुरुआत होती है बनना और 1920 तक जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा ध्यान रखेंगे रुद्री का जो निर्माण कार्य है कहीं पर आपको 1912 दिखेगा, कहीं पर आपको 1913 दिखेगा, और इसका पूर्णत कंप्लीट जो होती है 1915 में होती है। तो इन दोनों के लिए दो तथ्य है कि तांदुला छत्तीसगढ़ की पहली सिंचाई परियोजना है, लेकिन रुद्री जो है छत्तीसगढ़ की पहली निर्मित परियोजना है। सबसे पहले निर्माण इसका हो गया था, भले से ये बाद में शुरुआत हुआ था क्योंकि ये पहले शुरुआत हुआ था। ठीक, तो रुद्री छत्तीसगढ़ की पहली निर्मित परियोजना जो कि कहाँ पर है, धमतरी में है। और तांदुला जो है वो छत्तीसगढ़ की कौन सी परियोजना है, पहली सिंचाई परियोजना बोल सकते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर आगे उन नदियों के साथ बढ़ते गए, सिंचाई बढ़ती गई और उसमें महानदी, रुद्री, माड़म सिल्ली ये सारी चीज़ें इनकी कंटिन्यू होती गई। तो इस वाले क्वेश्चन में हम इतना ही तथ्य को ध्यान में रखते हैं। ठीक, चलिए, तो तांदुला बांध किस जिले में हो गया, आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से जमुनिया किसकी सहायक नदी है? तो ध्यान रखेंगे जो जमुनिया है वह शिवनाथ की सहायक नदी है जो कि बलौदा बाजार से निकलती है और बलौदा बाजार में जाकर ही मिल जाती है। यहाँ पर पॉइंट है अरपा, अब इसे सॉल्व करते हैं, यानी कि इसका आंसर होगा डी। अब देखते हैं अरपा के बारे में। अरपा जो है
अर्पा किसकी सहायक नदी होगी? आप सबको पता होगा, ये भी बलौदा बाजार में जाके मिलती है, ये भी शिवनाथ की सहायक नदी है। ठीक, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर सारी नदियों को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर से आप देखते हैं कि हमने बनाया ये राजनांदगांव वाला एरिया, ठीक है, ये हमने राजनांदगांव बना दिया। राजनांदगांव इधर आपने क्या बना दिया, ये आपका बेमेतरा वाला पार्ट, ये आपका दुर्ग वाला पार्ट, और ये आपका हो गया बालोद का भाग, ठीक है, ये आपका हो गया बलौदा बाजार वाला भाग, ठीक। और इसके बाद आप रायपुर, ये आपने रायपुर बना दिया, इधर ये बना दिया, ठीक। अब शिवनाथ यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलने के पश्चात दुर्ग, दुर्ग के बाद बेमेतरा, बेमेतरा के बाद बालोद के सोमनाथ, सोमनाथ का फिर रिटर्न आते हुए फिर ये आगे निकल जाती है। और जब ये बिलासपुर जिले में आती है तो पुनः ये वापस आती है, और आने के पश्चात पुनः ये जांगीर चांपा में शिवनारायण मिल जाती है। जब ये बलौदा बाजार में एंटर करती है तभी एक जमुनिया, इसको जमुनिया नाला बोला जाता है, जमुनिया नदी, ठीक, ये इसमें आकर मिलती है, करेक्ट। तो शिवनाथ की जो डायरेक्ट है, ठीक, शिवनाथ की जो डायरेक्ट रिवर जो मिल रही है उससे, वह है जमुनिया। अर्थात जमुनिया किसकी सहायक नदी हुई, वह हुई शिवनाथ की। अर्पा, अर्पा एक्चुअली में शिवनाथ की सहायक नदी है, और यहाँ पर वैसा कुछ पूछा नहीं गया था तो नहीं आएगा अर्पा। अर्पा का नाम कृपा, आप लोग ध्यान रखें। अर्पा की कुल लंबाई 100 किलोमीटर, पिंडर मरवाही गोरेला वाले क्षेत्रों से यह निकलती है, ठीक। बी आता है हाफ, हाफ जो है कवर्धा से निकलती है, मुंगेली कवर्धा का बॉर्डर बनाते हुए ये कवर्धा के बीचों बीच बहते हुए या बेमेतरा पे आके, कहाँ पे, ये देखिए जब ये रिटर्न आएगा ना तो यहाँ पर ऐसे करके ये हाफ मिल जाएगा, ठीक। तो हाफ जो है वो कौन सा संगम बनाएगा, आपका जोगी संगम बनाएगा, करेक्ट। चलिए लीलागर, लीलागर जो है वह कोरबा से निकलेगी, कोरबा से निकलने के पश्चात, कोरबा से निकलने के पश्चात जांजगीर चांपा बिलासपुर का बॉर्डर बनाएगी और मस्तूरी तहसील जाती है, ठीक। मस्तूरी तहसील में मुकुंदपुर नामक स्थान पर और अपने किनारे, और अपने किनारे मल्हार नामक पुरातात्विक स्थल बसाते हुए यह आगे बढ़ती है और शिवनाथ की सहायक नदी है। तो इसका आंसर होगा डी, शिवनाथ। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिहंद की सहायक नदी नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिहंद की सहायक नदी नहीं है? तो इसमें इसका आंसर जो होगा वह होगा आंसर नंबर डी, यानी गलफुला। तो याद रखेंगे रिहंद की जो सहायक नदी है उसमें आएंगे गोबरी, मोरन, महान, सूर्या, इस तरीके से कुछ नदियाँ आती हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये जो मेरी क्वेश्चन नंबर 21 में जो ऑप्शन डी है, यानी कि गलफुला जो है, तो गुलफुला किसकी सहायक नदी है, तो याद रखेंगे कन्हार की, ठीक ठीक। कन्हार की कुल लंबाई है 114 किलोमीटर, ठीक है। कन्हार जो निकलती है कहाँ से निकलती है, ये बखोना चोटी से निकलेगी, करेक्ट। और कन्हार की जो सहायक नदी प्रमुख रूप से हम देखते हैं, वह देखते हैं हम तो सिंदूर, पेंगन और गलफुला, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी की अधिकतम लंबाई छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले पे नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तब इसका आंसर निकालने में भी सही लगेगा। तो इसमें देखिएगा, निम्नलिखित में से किस नदी की अधिकतम लंबाई छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले पे नहीं है? ऑप्शन देखें, हसदेव, बनास, गोपद और केवई। क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर क्या होगा? ए, क्योंकि जो हसदेव नदी है वह तीन जिलों में प्रवाहित होती है, यानी तीन जिलों की जीवनदायिनी नदी है ये। लेकिन यह कोरिया से निकलने के पश्चात कोरबा में और साथ ही साथ आपके जांजगीर चांपा, यहीं पर यह सिंचाई परियोजना एवं विद्युत परियोजनाओं का निर्माण करती है। इसका बेसिन भी यही है। मैक्सिमम इसके डिस्टेंस जो है जो 176 किलोमीटर में, जो इसका 100+ जो किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वह इन दो जिलों यानी कोरबा और जांजगीर चांपा में ही आता है। चलिए इसको मैप के थ्रू हम समझते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग बनाते हैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के बारे में, ठीक है। कौन सा जिला बनाना, अपने को कोरिया जिले के बारे में डिस्कस करना था। चलिए देखते हैं हम लोग कोरिया जिला को, ठीक। ये देखिए ये हमारा कोरिया जिला हो गया, करेक्ट। अब ये जो मेरा कोरिया जिला है, इस कोरिया जिला पर एक नदी निकलती है, ध्यान रखेंगे बनास, ठीक। बनास इस तरह से ये बॉर्डर बनाते हुए ये बनास नदी ये जा रही है और ये जाके सीधा किससे मिल जाएगी, सोन नदी से मिल जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे दो तीन पॉइंट है जो आपको ध्यान देना है। पहली एक नदी का नाम, इसका नाम है मवई, या इसे ही बोला जाता है सवाई नदी, ठीक। और यहीं पर है आपका सीतामढ़ी हरचौका रामायण कालीन स्थल, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक। जो रामवन गमन मार्ग के कारण जितने भी रामायण कालीन स्थल है वो सारे महत्वपूर्ण हैं। तो राम जी जब नॉर्थ से दक्षिण की तरफ आते हैं तो पहले छत्तीसगढ़ में उनकी एंट्री मवई नदी के सहारे सीतामढ़ी हरचौका में होती है, यानी हरी का चौका, ठीक। मवई नदी के पश्चात
वह आते हैं कहां पे? रापा नदी के पास, यानी रापा नदी के तट पर, वहां पर है आपका सीतामढ़ी घाघरा नामक रामायणकालीन स्थल। और इसके पश्चात यह निकल जाते हैं नेऊर नदी के सहारे। ठीक, कौन सी नदी के सहारे? नेऊर नदी के सहारे। और यहां पर पड़ता है सीतामढ़ी छतौड़ा, ध्यान रखेंगे सीतामढ़ी छतौड़ा। और यहां पर सिद्ध बाबा का आश्रम है। कुछ रामवन गमन मार्ग संबंधित कुछ शोधार्थी हैं, उनसे यह सूचना मिलती है कि यह सीतामढ़ी छतौड़ा जहां पर सिद्ध बाबा का आश्रम है, प्राचीन काल में यहां पर कुछ ऋषि मुनि हुआ करते थे, जहां से राम जी, सीता एवं लक्ष्मण जी ने दंडकारण्य के रास्ते का पता किया था। ठीक, इसलिए यह सीतामढ़ी छतौड़ा नेऊर नदी के तट पर। तो मैंने तीन नदियां बोली, पहला मवई सीतामढ़ी हरचौका, रापा सीतामढ़ी घाघरा, यहां से इनकी एंट्री होती है और ऐसे करके चलते हैं, देन नेऊर। ठीक, अब ये जो नेऊर नदी है ये गोपद नदी की सहायक नदी है, ध्यान रखेंगे किसकी सहायक नदी है? गोपद नदी की सहायक नदी है। और ये जो है ये बनास नदी है। ठीक, तो बनास नदी गोपद नदी की सहायक नदी हो गई। चलिए अब उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि गोपद नदी वाला पार्ट, ये देखिए ये मैंने बना दिया सोनहट का पठार। ठीक, और इस सोनहट के पठार के नॉर्थ वाले पार्ट से आपकी गोपद नदी नॉर्थ की तरफ बहती है, और इस सोनहट के पठार के दक्षिण वाले हिस्से से, ठीक, ये आपकी कौन सी नदी बहती है? ये है आपकी हसदेव नदी, जिसकी लंबाई है 176 किलोमीटर, जो निकलती है कैमूर की चोटी से। ठीक, कैमूर की चोटी यानी देवगढ़ की पहाड़ी में एक चोटी है जहां से ये निकल रही है, तो उसे हम बोलते हैं कौन सी चोटी? कैमूर चोटी। अगर मैं ग्राम का नाम लूं तो ध्यान रखेंगे ग्राम में, याद रखेंगे मेंद्री ग्राम, या इसे मेंद्रा ग्राम भी कहा जाता है। करेक्ट, तो हसदेव नदी का उद्गम आपने निकाल दिया कोरिया जिले से। ठीक, और एक चीज ध्यान रखेंगे, सोनहट का जो उत्तरी वाला भाग है यानी ये वाला जो पर्वत है, इसे ही बोला जाता है या यहीं पर स्थित है बलेंद पर्वत। अगर कभी पॉइंट आए कि बलेंद पर्वत कहां है, तो ध्यान रखेंगे कोरिया जिले में बलेंद पर्वत है, और यहां पर आपका सोनहट का पठार, और सोनहट के पठार के लेयर में देवगढ़ की पहाड़ी है, और उसमें एक चोटी है आपकी कौन सी? कैमूर की चोटी। ग्राम की बात करूं तो मेंद्री या मेंद्रा ग्राम से आपकी हसदेव नदी निकलती है। राम जी, लक्ष्मण जी और लक्ष्मण के साथ सीता जी भी यहां पर इस ग्राम में आए थे अपने वनवास के दौरान, और ये धीरे 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 आगे बढ़ते हुए अमृत धारा तक पहुंचते हैं, जो कि मनेंद्रगढ़ तहसील में बरबसपुर नामक ग्राम पे है। और मनेंद्रगढ़ तहसील पे अमृत धारा गुफा, अमृत धारा जलप्रपात के निकट अमृत धारा गुफा का निर्माण होता है, और वहां से फिर वो आगे चले जाते हैं। हम सबको पता है कि अमृत धारा जलप्रपात के पास प्रतिवर्ष 1936 से क्या मेला होता है, जिसे स्टार्ट किसने किया था, जिसकी शुरुआत किसने की थी? रामानुज प्रताप सीध ने। ठीक, तो यहां पर आप देख रहे हैं हसदेव, हसदेव का पहला डिस्ट्रिक्ट कोरिया, कोरिया का दूसरा, कोरिया के बाद इसका दूसरा डिस्ट्रिक्ट आएगा कोरबा, और कोरबा के बाद दूसरा डिस्ट्रिक्ट आएगा इसका जांजगीर चांपा, और जांजगीर चांपा पे यह बैराज साथ ही साथ को सिंचाई परियोजना का निर्माण करते हुए ये कहां जाके मिल जाती है? ग्राम केरा। ग्राम केरा छत्तीसगढ़ गण एकेडमी के अनुसार ग्राम केरा हसदेव नदी पे, हसदेव नदी जो है महानदी पे जाकर मिल जाती है। क्लियर हो गई बात? केवाई नदी मैंने पहले ही बता दिया था, तो इसका क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर होगा वह होगा ए, हसदेव नदी। ठीक, फिर नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, छत्तीसगढ़ प्रदेश में कन्हार नदी का प्रवाह किस ओर है? ध्यान दीजिएगा, कन्हार नदी का प्रवाह किस ओर है, तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। कई लोग इसे उत्तर से दक्षिण भी समझ रहे होंगे, तो उसके पहले हम पहले थोड़ा सा मैप ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, ये मैंने बलरामपुर, और बलरामपुर के साथ मैंने क्या बनाया? जसपुर जिला। ठीक, आप सबको पता है कि ये वाला जो भाग है, और आपको ये भी पता है ये वाला जो भाग है, ठीक, ये है आपका पाट प्रदेश, मतलब कौन सा पाट? ये है आपका अपर पाट या ऊपर घाट। ठीक, ऊपर घाट में ये वाला जो भाग है, ये है आपका बलरामपुर जिले में सामरी। ठीक, और जो जसपुर में आता है उसे बोलते हैं हम पंडरा पाट। करेक्ट हो गई बात? अब इस पंडरा पार्ट पे याद रखेंगे, अब इस पंडरा पार्ट पे एक तहसील है जिसका नाम है बगीचा, और बगीचा में स्थित बखोना की चोटी से, बगीचा में स्थित बखोना की चोटी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कन्हार नदी। ठीक, कन्हार नदी उत्तर की तरफ बहती है, उत्तर की तरफ बहने के बाद ये अपना डायरेक्शन चेंज कर देती है, और डायरेक्शन चेंज करने के पश्चात ये इस डायरेक्शन में बहना शुरू कर देती है। ये आपका यूपी वाला भाग है। ठीक, यानी कि ये झारखंड एंड उड़ीसा का बॉर्डर बनाती है। पहला पॉइंट, कन्हार झारखंड और उड़ीसा का बॉर्डर बनाती है, लेकिन कौन से जिले में बनाती है? ध्यान रखेंगे बलरामपुर जिले में।
संख नदी भी झारखंड उड़ीसा का बॉर्डर बनाती है, कौन से जिले में? याद रखेंगे जसपुर जिले पे। तो ये जो मैंने लाइन बनाया कौन सा, झारखंड एंड उड़ीसा वाला भाग, ठीक। तो यह छत्तीसगढ़ का कौन सा बॉर्डर है, जरा अगर मैं इसको सेंट्रल पॉइंट मान के चलूं तो ये कौन सा भाग आ रहा है आपका, ये आ रहा है आपका ईस्ट एंड नॉर्थ, यानी कि सीजी का नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर जो बना रही है वो कौन बना रही है, कन्हार नदी। क्लियर होती है बात यहां तक? तो अगर मैं इसके डायरेक्शंस को यहीं पर फाइंड आउट करूं ये किधर से किधर बह रही है, तो याद रखेंगे दक्षिण, दक्षिण से ये कौन सा आ गया आपका पूर्व, करेक्ट, और ये है आपका उत्तर और ये है आपका पश्चिम का प्रवाह इधर है, यानी कि दक्षिण पूर्व से या उत्तर पश्चिम की तरफ प्रवाहित हो रही है। क्यों? क्योंकि इसका आंसर इसलिए मेरे को ये लेना हुआ क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर है वो नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर बना रही है, यानी ये डायरेक्शन, यानी ये क्वेश्चन का जो फिक्सेशन होता है वो इस पॉइंट से होता है, यानी कि इसके लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमको ये वाला जो सीजी का नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर इसको फाइंड आउट किया, ये सेंटेंस पढ़ा और ये सेंटेंस पढ़ने के बाद मेरा ये क्वेश्चन बनता है, ठीक। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, सरगुजा के बारे में कथन है, ठीक, यानी कि सरगुजा के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पहला, सरगुजा की जीवन रेखा रिहन नदी को बोलते हैं जो कि मतिरिंगा की पहाड़ी से निकलती है। दूसरा, सरगुजा में ही मैन पार्ट जहां टाइगर पॉइंट सनसेट पॉइंट दोनों स्थित है। सरगुजा से मांड नदी निकलती है जिसकी लंबाई 145 किलोमीटर है। चौथा, अंबिकापुर सरगुजा जिले का मुख्यालय है। आप लोग आंसर बताइए क्या होगा आंसर। तो चलिए आइए इसको मैप में हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग सरगुजा को, ठीक है। तो याद रखेंगे ये हमने सरगुजा जिला बनाया, ठीक, और ये जो सरगुजा जिला है इसका ये वाला जो हिस्सा है ये मैन पार्ट और ये वाला आपका पार्ट प्रदेश हो जाता है। तो इस मैन पार्ट के, इस मैन पार्ट के आपका कौन सा डायरेक्शन, मैन पार्ट का आप लेंगे ये नॉर्थ वाला, ये वेस्ट और ये साउथ। तो ये वाला जो भाग है मेरा, ठीक है, यानी कि मैन पार्ट का साउथ वेस्ट वाले पोर्शन पे ही मतिरिंगा की पहाड़ी और इसी मतिरिंगा से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, रिहन, और इस मैन पार्ट के नॉर्थ, इस मैन पार्ट के नॉर्थ और ईस्ट वाले भाग से, ठीक, यानी कि इस मैन पार्ट के साउथ वेस्ट में स्थित मतिरिंगा की पहाड़ी से निकलती है रिहन नदी और इस मैन पार्ट के नॉर्थ ईस्ट से निकलती है मेरी मांड नदी। अगर मैं बोलूं मांड नदी किसका हिस्सा है तो ध्यान रखेंगे मांड नदी जसपुर सामरी पार्ट का हिस्सा है, एवं अगर मैं बात करूं रिहन के बारे में तो ध्यान रखेंगे रिहन क्योंकि निकलती है आपकी मतिरिंगा की पहाड़ी से इसलिए पूर्वी बघेलखंड के पठार का हिस्सा होगा, ठीक। तो पहला जो है सरगुजा की जीवन रेखा रिहन को बोलते हैं मतिरिंगा की पहाड़ी से निकलती, सत्य है। सरगुजा में मेन पार्ट है जहां टाइगर पॉइंट सनसेट पॉइंट दोनों स्थित है, साथ ही साथ कुछ और पर्यटन स्थल आप सबको पता है, ठीक। आलू की सबसे ज्यादा खेती यहीं पर होती है छत्तीसगढ़ में। सरगुजा से ही मांड नदी निकलती जिसकी लंबाई 145 है। देखिएगा अब जो इसकी लंबाई है वह 145 नहीं, इसकी लंबाई है 155 मांड की लंबाई, और रिहन की जो लंबाई है वह है 145 किलोमीटर, ठीक। तो चलिए फोर्थ देखते हैं, यानी कि ये ऑप्शन आपका गलत हुआ। फोर्थ वाला देखेंगे तो फोर्थ वाला आएगा अंबिकापुर सरगुजा जिले का मुख्यालय है, तो ये क्या होगा आपका बिल्कुल सही होगा। अतः ऑप्शन यानी कथन 1, 2 और 4 जो कि इसमें आपको दिख रहा है वह है ऑप्शन सी में सत्य होगा। साथ ही यहाँ सरगुजा जो है, सरगुजा को जो नामकरण है उसके लिए कुछ किंवदंतियां हैं, कैसी बटी हुई देख लेते हैं। सूर प्लस गजा, सूर गजा का अपभ्रंशित रूप अगर हम करें, सूर प्लस गजा मतलब देवता एवं हाथियों वाली धरती, ठीक। दूसरा याद रखेंगे स्वर्गजा, स्वर्गजा मतलब स्वर्ग के समान धरती, स्वर्ग के समान धरती, ठीक है। तीसरा याद रखेंगे सूर प्लस गुंजा, ठीक, सूर प्लस गुंजा यानी कि आदिवासियों की मधुर वाद्य यंत्र एवं गीतों की गुंजों का गुंजन। तो इस तरह से सुरगजा, स्वर्गजा या सुरगुंजा भी कहा जाता है सरगुजा को, ठीक। तो ये ऑप्शन आपका 24 क्लियर, क्वेश्चन 24 क्लियर होता है। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में, छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बस्तर का पश्चिमी भाग अबूझमाड़ पहाड़ी है, बी गोदावरी बस्तर क्षेत्र की प्रमुख नदी है, सी बस्तर के उत्तर में दंतेवाड़ा स्थित है, डी
चित्रकोट जलप्रपात सबरी नदी पर है? दोस्तों इसका आंसर आप दीजिएगा, ठीक, इसका आंसर आप देंगे और क्या आंसर आप पोस्ट करिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में समझते हैं, निम्न में से सत्य कथन है। पहला, पुलपाड़ इंदुल जलप्रपात दंतेवाड़ा जिले में सुकमा मार्ग पर स्थित है। ध्यान रखेंगे पुलपाड़ इंदुल कहां पर है, दंतेवाड़ा में। दूसरा, तांबड़ा जलप्रपात बस्तर जिले या कि दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। तांबड़ा जलप्रपात को ही और क्या कहा जाता है, इसका नाम आप पोस्ट करेंगे नीचे, ठीक है। तीसरा, कांगेर घाटी के जादूगर के नाम से मशहूर तीरथगढ़ जलप्रपात भी बस्तर जिले में, बिल्कुल सही। तीरथगढ़ जो जो, जो, जो जलप्रपात है वह मुनगा बहार नदी पर है, इसको ध्यान रखेंगे। जरा देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ठीक। इस तरह से यहाँ पर आती है आपकी सबरी नदी, ठीक। सबरी नदी पर इस बैलारीला की पहाड़ी से, ये जो हाईलैंड है यहाँ पे, यहाँ से एक नदी आती है जिसको मैं बोलता हूँ मलिंगर नदी, और इधर कांगेर घाटी से एक नदी आती है जिसका नाम है आपका कांगेर नदी, ठीक। ये हो गया आपका सुकमा जिला, ये मैंने बाउंड्री का, ये हो गया कांगेर नदी। अब इस कांगेर नदी की जो सहायक नदी है, ध्यान रखें कांगेर की सहायक नदी मुनगा बहार, जिसपे आपका क्या है तीरथगढ़ जलप्रपात, 1, 2, 3 और 4। तो फुलपाड़ इंदुल जलप्रपात दंतेवाड़ा जिले में है, बिल्कुल सही है। तांबड़ा जलप्रपात बस्तर जिले में इसी सही है। कांगेर घाटी के जादूगर के नाम से तीरथगढ़ जलप्रपात बस्तर में, बिल्कुल सही है। कुंद्रू घाट जलप्रपात सुकमा जिले में है, बिल्कुल गलत। कुंद्रू घाट जो है वह है आपके सरगुजा जिले में, अतः ऑप्शन इसमें सी सत्य होगा, कथन 1, 2 और 3 इसमें सही है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम रुक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र का विस्तार लगभग 29% है। लास्ट हम लोगों ने जो वीडियो देखा उसमें मैंने आपको बताया था। दूसरा, छत्तीसगढ़ के 3 अपवाह तंत्र बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होते हैं। अगर मैं बात करूं 3 अपवाह तंत्र की, तो यहां पर कुल 4 अपवाह तंत्र किसमें विसर्जित होते हैं, बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी इंद्रावती प्रवाहित होगी, कल हमारी बात हुई थी, सोनगंगा भी जाएगी, ठीक, फिर हमारी ब्राह्मणी भी जाएगी, और साथ ही साथ महानदी ड्रेनेज सिस्टम भी जाएगी। नर्मदा जो ड्रेनेज सिस्टम है, नर्मदा जो अपवाह तंत्र है, वह एक ऐसी अपवाह तंत्र है जो कि अरब सागर में जाके क्या होती है, गिरती है। यहां पर यह ऑप्शन क्या होगा, इसमें गलत होगा, ठीक। थर्ड में आते हैं, राजिम महानदी पैरी और सोंडूर नदियों के संगम पर बसा हुआ है। राजिम किसे, किसके, महानदी पैरी और सोंडूर के संगम पर बसा हुआ है, बिल्कुल सत्य। यानी 1, 2 और 3 अर्थात इन तीनों में कथन 1 सही है, कथन 3 सही है, कथन 2 गलत है। कथन 2 गलत तब होगा जब हम 5 ड्रेनेज सिस्टम को लेंगे, और 5 ड्रेनेज सिस्टम इसलिए लिया जाता है क्योंकि जो ब्राह्मणी नदी है उसकी जो सहायक नदी है यानी कि संख नदी, तो संख नदी का प्रवाह क्षेत्र बॉर्डर में पड़ता है और संख की भी कई सहायक नदियां होती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 5 ड्रेनेज सिस्टम लिया है, और 5 ड्रेनेज सिस्टम के आधार पर ऑप्शन नंबर 2 जो होता है वो गलत की ओर दिशा करता है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 27 का कथन 1 और कथन 3 यानी कि इसका जो आंसर है ए सही होगा, 1 और 3। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से बाघ नदी का उद्गम स्थल है। तो याद रखिएगा कि जो मेरी बाघ नदी है, ठीक है, तो ये जो बाघ नदी है ये वैनगंगा की सहायक नदी है, क्लियर। और ये जो वैनगंगा की सहायक नदी है बाघ नदी, यह निकलती है मेरी कुलझारी की पहाड़ी से। कहां से, कुलझारी की पहाड़ी से। कई जगह स्रोत में कुलझारी लिखा होता है और कई जगह इसे लिखा जाता है फुलझारी, ठीक। तो कुलझारी या फुलझारी से निकलने वाली बाघ नदी जो जाके वैनगंगा में मिल जाती है, ठीक। और यही जो बाघ नदी है यह राजनांदगांव में, यानी राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के मध्य क्या बनाती है, सीमा बनाती है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, बाघ नदी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के मध्य क्या बनाएगी, सीमा बनाएगी, करेक्ट, जो कि कुलझारी की पहाड़ी से निकलती है। कल हमने कौन सा बात किया था, बंजर और ताड़ा, कहां से निकलेगी बंजर और ताड़ा, बताइए। बंजर तारा निकलती है कवर्धा से, जो कि किसकी सहायक नदी है, नर्मदा नदी की सहायक नदी है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर होगा वह होगा आपका बी। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में यह बोल रहा है सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है। तो याद रखेंगे पहला अरपा नदी यानी कि उद्गम स्थल की बात कर रहा है, आप सबको पता है अरपा नदी कहां से निकलती है, खोंडरी खोंगसरा से, ठीक। पैरी नदी कहां से निकलेगी, भात्रीगढ़ की पहाड़ी से, जो कि गरियाबंद पे है, और ये सारे धमतरी महासमुंद उच्च भूमि का भाग है। हाफ नदी,
हाफ नदी निकलती है कंदामनी की पहाड़ी से, कवर्धा जिले से निकलेगी और ये मैकल रेंज का ही एक भाग है। हाफ नदी के बारे में एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये जो हाफ नदी है इसी के तट पर हमें सिली पचराही या पचराही मिलता है, और ये जो पचराही होता है उसे हम क्या कहते हैं, पुरातात्विक स्थल है जहां पे फणी नागवंशियों का क्या मिला था, बसाहट के साक्ष्य मिले थे। वैसे अगर मैं बात करूं हाफ नदी के बारे में, तो हाफ नदी जो है वो कवर्धा की मुख्य नदी है, ध्यान रखिएगा, और कवर्धा जो जिला है वहां हमें भोरम देव नामक पुरातात्विक स्थल साथ ही साथ धार्मिक पर्यटन स्थल की भी प्राप्ति होती है, जिसे हम काला तीर्थ और कला तीर्थ दोनों कहते हैं। काला तीर्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि काले पत्थर यानी ग्रेनाइट से उस मूर्तियों के निर्माण हुई है, तथा कला तीर्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पे सुंदर कलाकृतियों का चित्रण देखने को मिलता है वहां के मंदिर स्थापत्य कला में। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। डी, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि तीनों सही है, अपने उद्गम स्थल के साथ सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ रुख करते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए, हंसदेव नदी की लंबाई, ठीक, लीलागर की लंबाई, जोग की लंबाई एवं सबरी की लंबाई। याद रखिएगा जब भी आप लंबाई वाला पाठ करें तो इसमें एक चीज ध्यान रख सकते हैं, पहला आप देखेंगे कि 200 से लेकर लाइक 200 to 100 के बीच कितने आ रहे हैं इसको ध्यान रखें, फिर 200 अबव कितने आ रहे हैं इसको ध्यान रखेंगे, फिर 100 to 150 कितने आएंगे उसको ध्यान रखेंगे, एंड देन 150 to 50 कितने आएंगे उसको ध्यान रखेगा, और 50 to 10 इतना क्या, इस रेंज को पहले एक कागज में बना लीजिए, और कागज में बनाने के पश्चात इसको क्या करिए, याद करिए, तो ये बहुत ही आसान से या आसान विधि के द्वारा आपको चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, बताइए क्या होगा, इसका आंसर होगा 2413। ठीक, बहुत सारे जो स्रोत हैं उसमें कुछ नदियों के डिस्टेंस अलग अलग दिए हुए हैं, पीएससी भी आपका लाइक इसका इंद्रावती का, इंद्रावती की जो लंबाई है वो पीएससी कितना लेता है, 264 किलोमीटर। ठीक, आपकी सबरी की लंबाई 173 लेता है, साथ ही साथ हंसदेव की लंबाई 176 लेता है। ठीक है, बट पॉइंट यहाँ पर ये है क्या वो एग्जैक्ट है, कभी सोचिएगा, क्योंकि अगर मैं माइल के हिसाब से इन चीज़ों को डिस्कस करूँ, कभी वीडियो में डिस्कस करूँगा, तो अगर मैं यात्रा वृत्तांत पे जाऊँ, जो लोगों ने एक्चुअली बस्तर पे लिखा है, जो लोगों ने बस्तर को जाना है, तो उनके यात्रा वृत्तांत के हिसाब से एक किलोमीटर नहीं बैठता है। ठीक, तो खैर इस बारे में हम कभी और बात करेंगे कि जो डाटा, जो चीजें आज हम देखने को मिल रही हैं क्या वो सही है। ठीक है, चलिए, बट मेरी कोशिश ये रहेगी, हमेशा कोशिश ये रहेगी कि जितना सही मैं आपको डिलीवर कर पाऊं, कोशिश ये रहेगी। ठीक है, पॉइंट ध्यान रखेंगे, जो भी स्रोत होगा वो एक ऑथेंटिक स्रोत के तौर पर मैं उसे सेलेक्ट करूंगा और मैं उसे आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ठीक, तो इसका आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 30 का वह होगा 2413। क्वेश्चन नंबर 31 में फिर वही क्वेश्चन है कि उद्गम स्थल बताना है। पहला है हाफ नदी, हाफ नदी का उद्गम स्थल क्या आंसर होगा, कंदावनी की पहाड़ी। दूसरा है इंद्रावती, इंद्रावती का जो उद्गम स्थल है वह है मुंगेर की पहाड़ी। फिर है अरपा नदी, पेंड्रा लोरमी का पठार। फिर आएगा आपका कन्हार नदी, तो वह आएगा बखोना चोटी। तो इसका जो आंसर होना चाहिए क्या होगा, बताइए आंसर, हाफ नदी का 3, इंद्रावती का 4, अरपा का 1, 3412। ठीक, इसमें दिया हुआ है ये 3412, ऑप्शन होगा सी 3412। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, छत्तीसगढ़ प्रदेश की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही है, ये सहायक नदियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, चलो देख लेते हैं। पहला हंसदेव नदी, हंसदेव नदी की सहायक नदी है, मैंने आज ही डिस्कस किया था, आयरन एंड चोरनई। आयरन किसके साथ बना रही है, नदी जोड़ो परियोजना, बताइए, खारंग के साथ। तो खारंग किसकी सहायक नदी है, अरपा की, करेक्ट। चलिए चोरनई, याद रखेंगे चोरनई जो नदी है इसी पर ही देवपेरी वाटरफॉल में देखने को मिलता है कोरबा डिस्ट्रिक्ट में। कन्हार, कन्हार गल्फुला पेंजन, बिल्कुल सही है। महानदी की जो सहायक नदी है मांड और केलो, बिल्कुल सत्य है, केलो पर ही स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना है
और मांड जो नदी है रायगढ़ एवं जांजगीर चांपा के मध्य बॉर्डर बनाने वाली है। ठीक, तो ये जो मेरी मांड है ये चंदरपुर में पहुंचती है, जो डभरा तहसील है जांजगीर चांपा का, डभरा तहसील में मांड पहुंची। नीचे से कौन आया? लात आया। इधर से कौन आई? महानदी आई। तो एक पर्यटन स्थल का वहां पर क्या होता है? निर्माण हो जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या है? सबरी, तेल और सारंगी। करेक्ट। चलिए इसमें क्या बोल रहे हैं, कौन सा एक सही युग्म सुमेलित नहीं है? तो ध्यान रखेंगे तेल और सारंगी सबरी की सहायक नदी नहीं, यानी इसका ऑप्शन होगा डी। ठीक, तो जो सबरी है इसकी जो सहायक नदियां हैं उसमें आप मलिंगर ले सकते हैं, उसमें आप कांगेर ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने 32 क्वेश्चन देखा। दोस्तों आगे जो हम इस छत्तीसगढ़ की वीडियोस में देखेंगे उसमें कुछ एक दो टॉपिक और नेचुरल जियोग्राफी या फिजिकल जियोग्राफी से संबंधित होगा, जिसमें मैं क्लाइमेट एंड सॉइल को लेके आऊंगा, और उसके बाद थोड़ा सा इकोनॉमिक सर्वे वाला पार्ट हम देखेंगे। ठीक है, जो बेसिक टॉपिक है वो वाले सारे टॉपिक्स को हम देखते जाएंगे, और साथ ही साथ कुछ एक दो वीडियोस हम ट्राइब पर भी बात करते हैं। ठीक, आखिर ट्राइब्स की जो वाद्य यंत्र है उस पे बड़ा ही क्वेश्चन पूछता है और उसमें काफी डाउट है। ठीक है, आखिर सारंगी क्या है, किकीर क्या है, किशूर क्या है। ठीक, और ध्यान रखेंगे जब मैं तुड़बुड़ी की बात करूं तो तुरियम क्या होता है, और अबुझमाड़िया वही तुड़बुड़ी को तुरम क्यों बोलते हैं, इस पे हम आने वाले वीडियो में फिर कभी बात करेंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।